पालक खिचड़ी तो आपने खाई है, लेकिन क्या पालक राइस आपने कभी बनाया है? तो आज हम पालक और मटर के बहुत ही टेस्टी से राइस बनाएंगे, जिसे आप बहुत ही जल्दी से बना सकते हैं। बस 15 से 20 मिनट ही लगेंगे। तो एक कप हम यहाँ पर राइस ले लेंगे। राइस को हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने बासमती राइस लिया है, आप कोई भी राइस यहाँ पे ले सकते हैं। और एक मिक्सी जार ले लेंगे। मिक्सी जार में हम पालक को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने करीबन 250 ग्राम जितना पालक ले लिया है। पालक को हम ऐड कर देंगे और साथ साथ इसमें 1/4 कप जितना पानी ऐड कर देना है, ताकि हमारी पालक की बहुत ही अच्छी प्यूरी बनके तैयार हो जाए। तो यहाँ पे हमारी पालक की प्यूरी हो चुकी है तैयार। अब एक कढ़ाई में हमें 1 चम्मच घी ले लेना है और 1 चम्मच हम जीरा ऐड कर देंगे। जीरे को अच्छी तरह से सौते कर लेना है और इसके बाद हम ऐड कर देंगे यहाँ पे राइस। तो राइस को हमें सिर्फ वॉश ही करना है, इसे भिगो के रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब बस ऐसे ही इसे कुक कर लीजिए। तो 1 मिनट के लिए इसे सौते कर लेंगे। जैसे ही हमारे राइस अच्छी तरह से सौते हो जाए, उसके बाद यहाँ पे हमें ऐड कर देने हैं मटर को। मटर को भी हम 1 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। तो इस तरह घी के अंदर मटर और राइस को सौते करने से क्या होगा कि जो घी का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छे से राइस में आ जाएगा और राइस का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। अब एक बार ये सारी चीज़ें सोते हो जाए, उसके बाद हमें ऐड कर देना है जो पालक की प्यूरी बना के रखी थी उसे, और उसे भी हमें वापस 1 मिनट सोते करना है। जैसे ही आप सारी चीज़ें ऐड करते जाएंगे, ऐसे ही आप इसे सोते करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 3 कप पानी। तो हमने जिस कप से चावल का नाप लिया था, बस उसी कप से हमें पानी ले लेना है। चावल को हमने भिगो के नहीं रखा था, इसलिए हम 3 कप पानी लेंगे। अगर आप चावल को भिगो के रखते हैं तो आप इसे मैक्सिमम 15 मिनट ही भिगो के रखिए, ज़्यादा नहीं भिगोना है। और जब पानी डालेंगे तब आपको 2.5 कप यहाँ पे पानी डालना है, 3 कप नहीं डालना है। और उसी के साथ हम ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक ऐड करने के बाद हमें इस चावल को करीबन 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेना है। तो इसे हम ढक्कन ढक के ही कुक करेंगे। तो 15 से 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे चावल बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। उसमें जो पानी था वो भी एकदम परफेक्ट था। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और आप इसका कलर भी देखिए, बहुत ही अच्छा सा और एकदम बढ़िया कलर आया है और एक एक दाना खिला खिला बना है। राइस को ले लेंगे हम सर्विंग प्लेट में। तो आपको ये वाली राइस की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में रहे बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।